अच्छा देखो बेटे, ये टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 9, सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 9। ये सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 9 है, टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये 1971 से लेके 1973 तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आई इस वक्त में बूस्ट हुई वो, यानी कि 1971 से लेके 1973 तक सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बातें हुई। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग है मैन्यूपुलेशन है, मैन्यूपुलेशन है जेनेटिक मटेरियल की, मैनिपुलेशन है जेनेटिक मटेरियल की किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल तरीके से, हम आर्टिफिशियल तरीके से चेंजेस करते हैं। किस चीज़ में चेंजेस करते हैं? हम चेंजेस करते हैं किसी भी जानदार के डीएनए में, उसके जीन्स के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, तो हम इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। या इस पर्पस को अचीव करने के लिए, यानी कि चेंजेस को लेकर आने के लिए, हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं चेंजेस लाने के लिए। अब ये वेक्टर्स जो हैं ये नॉर्मली क्या होते हैं? ये वेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं प्लाज्मिड और दूसरे हैं बैक्टीरियो फेज। एक हैं प्लाज्मिड और एक हैं बैक्टीरियो फेज। प्लाज्मिड कहाँ होते हैं? प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया के पास डीएनए है, उसको आप कहते हैं। जबकि जो बैक्टीरियो फेज है ये क्या थे? ये वायरस थे ना, जो के मारते हैं बैक्टीरिया को, उनको आप क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। जबकि प्लाज्मिड जो हैं ये कहाँ हैं? बैक्टीरिया में। और ये क्या हैं? बैक्टीरिया का डीएनए है। और कैसा डीएनए है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये किसमें है? बैक्टीरिया में है। सही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा ना, चैप्टर नंबर 6, उसमें बैक्टीरिया पढ़ा था, उसमें बैक्टीरिया पढ़ा था, बैक्टीरिया में पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया के पास जो है वो क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स होते हैं। और प्लाज्मिड की डेफिनेशन ये है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये हैं। अब इसके अलावा जो है दूसरे क्या हमने यूज़ किया? वेक्टर, बैक्टीरियोफेज। इन दोनों जानदारों के अंदर चेंजेस करते हैं और फिर चेंजेस करने के बाद इनके अंदर फिर इन चीज़ों को, प्लाज्मिड्स को और बैक्टीरियोफेज को, इनको इम्प्लांट कराते हैं हम जिस जानदार के अंदर हम चेंजेस करना चाहते हैं। अब वो जानदार कोई जो है, फ़र्ज़ करो वो जो है कोई यूकैरियोट, कोई यूकैरियोट हो सकता है। सही, जो वो लिविंग थिंग जो है इसमें हम चेंजेस चाहते हैं वो यूकैरियोट हो सकता है, उसमें चेंजेस कर लाना चाहते हैं हम। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास टॉपिक है, मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, किस ये इस दफ़ा के, इसके लिए भी, ये आपका जो सेकेंड ईयर है उसके लिए भी। वो क्या है? वो जो है क्या टॉपिक है? री
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये लॉन्ग का सवाल है सेकेंड ईयर का। हाँ बेटे चैप्टर नंबर 9 है ये, चैप्टर नंबर 9 है, मैंने लिखा था ना ये सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 9। ये पूरा चैप्टर जो है ना ये जूलॉजी में आता है, ये पूरा चैप्टर जूलॉजी में आता है सेकेंड ईयर का चैप्टर 9, वो करा रहे हैं बेटे। अच्छा खैर, टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल, प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा होता है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है कि जिसके अंदर आप चेंजेस करते हैं, उस डीएनए को आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब आप इस डीएनए को बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? मैंने क्या कहा, आरडीएनए कौन सा है? आरडीएनए जो है वो मॉलिक्यूल है डीएनए का, वो मॉलिक्यूल है डीएनए का जो कंटेन करता है डीएनए फ्रॉम 2 सोर्सेस, जो डीएनए आया है 2 सोर्सेस से। अब ये 2 सोर्सेस की बात जो है, ये 2 सोर्सेस वाली बात जो है ये मैं यहाँ कर चुका हूँ। वो क्या थे? वेक्टर्स थे, उनको क्या कहते थे हम? वेक्टर्स। एक का नाम क्या था? प्लाज्मिड, और एक का नाम क्या था? बैक्टीरियोफेज। ये जो दोनों हैं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, ये दोनों क्या हैं? सोर्सेज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं आरडीएनए को बनाने के लिए। इसके अलावा जो है हमें कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वो रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें चाहिए 2 तरह के एंजाइम्स, हमें चाहिए 2 तरह के एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या हैं? एक एंजाइम है उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरा जो एंजाइम है उसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो देखो 2 तरह के एंजाइम है, एक रिस्ट्रिक्शन, दूसरा डीएनए लाइगेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसका काम क्या है? ये जो है इट इज़ यूज्ड टू चॉप पार्ट ऑफ डीएनए। बेटे ये 9 जो है ना, हम लोग जूलॉजी का पहले पूरा कराने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी जगहों पे चैप्टर 1 कराया है, 3 कराया है, फिर 10 और 9 कराया है, फिर 8, 7, 6, इस तरह चलते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो जैसे 10 से लेके फिर अब वापस में सब चैप्टर करते हुए आते हैं, इसलिए क्योंकि ये 10 और 9 से ना असल में लॉन्ग सवाल बनते हैं। 10 से 2 और 9 से 1 सवाल, 9 से भी 2 सवाल बनेंगे। तो एक सवाल जो बनेगा 9 से आपके जूलॉजी में वो ये बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, इसलिए। अच्छा खैर, इसका काम क्या था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का? ये चॉप करता है पार्ट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए को कट करता है। और जो लाइगेज एंजाइम है इट इज़ यूज टू सील द पार्ट ऑफ डीएनए, ये सील करता है। अच्छा, सील का पर्पज़ क्या होता है? सील का मतलब है वापस चिपका देना। देखो जैसे क्या, फ़र्ज़ करो कि ये एक डीएनए है, अब इस डीएनए का कोई पार्ट मुझे काटना है, इसको यहाँ से काटना है, तो मैं यहाँ पर इस एंड के ऊपर और मैं यहाँ पर इस एंड के ऊपर कौन सा एंजाइम यूज़ करूँगा कि ये इतना पार्ट जो है ये कट जाए यहाँ से? तो ये एंजाइम यूज़ करूँगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जब मैं यहाँ लगाऊँगा तो ये इतना पार्ट, ये आफ्टर एप्लीकेशन लगाने के बाद ये आपको कितना नज़र आएगा? इतना, तो इतना पार्ट इसमें से कट के बाहर आ जाएगा, तो ये पार्ट निकल गया। ये काम किसने किया? ये काम किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, ये काम किया, काट दिया इसको। जबकि जो लाइगेज एंजाइम है वो क्या करेगा? फ़र्ज़ करें कि एक सेगमेंट ये है डीएनए का, दूसरा सेगमेंट जो है
वो ये है डीएनए का। तीसरा सेगमेंट जो है वो इस तरह से है डीएनए का, तो तीन सेगमेंट्स हैं और अब मुझे इसको चिपकाना है, ये सारे सेगमेंट्स को चिपकाना है। तो यहाँ पे मैं एक एंजाइम लगाऊंगा, ये एंजाइम यहाँ लगाऊंगा। ये कौन सा एंजाइम लगाऊंगा मैं? ये मैं लगाऊंगा चिपकाने के लिए इसको, लाइगेज एंजाइम। तो देखो लाइगेज एंजाइम का काम क्या हुआ, सील कर देना, जगह को बंद कर देना, चिपका देना पार्ट्स को। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या हुआ कि किसी कोई पार्ट को जो चाहिए हमें उसको काट के बाहर निकाला। तो ये तो दो एंजाइम्स हो गए जिनके काम ये थे, रिस्ट्रिक्शन और लाइगेज एंजाइम। इसके बाद जो है अब नेक्स्ट चीज़ अगर देखो तो वो क्या है, वेक्टर्स की बात हमने पहले कर ली थी, सही, वेक्टर्स की बात कर ली थी। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये इनको हम मॉलिक्यूलर सीज़र भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीज़र्स भी कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। इसके अलावा ये डिस्कवर कब हुए, ये डिस्कवर हुए 1960 में, इनको डिस्कवर किया, सही। अच्छा, उसके अलावा हम क्या करते हैं इसके अंदर के प्रिपरेशन में, पहले हमने वैसे फ़र्ज़ करो जैसे प्लाज्मिड लेकर आए, प्लाज्मिड के पास डीएनए था, इसके डीएनए का कोई एंड काट के निकाल दिया बाहर। अब इसके अंदर हमने फॉरेन जीन्स को डाल दिया, ऐड कर दिया, सही है, फॉरेन जीन्स को डाल दिया और वापस फिर इसी के अंदर इसको अटैच करवा दिया। काटा किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। फॉरेन जीन्स हमने बनाए थे आर्टिफिशियली, वो इसमें ऐड कर दिए और फिर लाइगेज एंजाइम की मदद से इसको चिपका दिया। तो ये जो डीएनए अब तैयार हुआ, इस डीएनए को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए। तो आरडीएनए जो है ये रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट सेल, ये रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट सेल, यानी कि खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है, खुद से बन सकता है। प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड के पास हमेशा एक से ज़्यादा जीन्स होते हैं जो यूज़फुल हैं करेक्टर्स के लिए, जैसे कि रेजिस्टेंस डेवलप कराते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ये जीन्स होते हैं इनके पास, प्लाज्मिड्स के पास होते हैं ये जीन्स, कहाँ होते हैं, प्लाज्मिड्स के पास होते हैं। इसके अलावा फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले जीन्स होते हैं इनके पास। अच्छा, पहले आप क्या करेंगे, आप रिमूव करेंगे इनकी सोर्स से, फिर आप इंसर्ट करेंगे फॉरेन जीन। अगर आप हमको स्टेप्स में लिखें तो पहले क्या किया आपने, पहले आपने जो है रिमूव किया फ्रॉम देयर सोर्स, फिर आपने क्या किया, आपने इंसर्ट किया फॉरेन जीन्स। ये क्या हैं, स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन के। फिर आपने इंसर्ट किया फॉरेन जीन को इसके अंदर, और फिर तीसरा काम आप क्या करेंगे कि जो होस्ट होगा उसके अंदर ये डीएनए डालेंगे। और अब वो होस्ट जो है वो क्या हो सकता है, होस्ट जो है वो बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, वो बैक्टीरियोफेज हो सकता है। अब बैक्टीरिया का मतलब है प्लाज्मिड, बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हो सकता है वो, सही है। तो
तो इस तरह से तो हमने क्या कर लिया, प्रिपरेशन कर ली आरडीएनए की, इस तरह से प्रिपरेशन होती है। अब प्रिपरेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंसर्शन। प्रिपरेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंसर्शन। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, उसको इंसर्ट कराएंगे। नेक्स्ट काम इंसर्शन होगा। इंसर्शन में नेक्स्ट काम क्या है, इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। इसके लिए हमने क्या किया इंसर्ट कराने के लिए, कि हमने एक सोल्यूशन बनाया। उस सोल्यूशन के अंदर हमने डाला कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड जो है ये सेल की परमीएबिलिटी को, इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है सेल की परमीएबिलिटी को। तो ये सेल की परमीएबिलिटी इसने इंक्रीज़ कर दी। और फिर इसके अंदर हमने जो हमने आरडीएनए बनाया था वो डाल दिया। इसके अलावा हमने इसमें जो है डाला बैक्टीरियल सेल। अब ये जो बैक्टीरियल सेल था ये कैसा हो गया, इट विल बिकम मोर परमीएबल, ये परमीएबल हो गया। अब ये अलाउ करेगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करेगी कि ये जो आरडीएनए है वो कहाँ चला जाए, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाए। इस तरह से हम क्या कराते हैं, इंसर्शन कराते हैं आरडीएनए की किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। यानी कि एक सोल्यूशन बनाते हैं, उस वो सोल्यूशन किसका होता है, कैल्शियम क्लोराइड का होता है। ये कैल्शियम क्लोराइड सेल की परमीबिलिटी को बढ़ा देता है। इसके अंदर हम आरडीएनए डालते हैं और बैक्टीरियल सेल डालते हैं, बैक्टीरियल सेल की परमीबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आरडीएनए इजीली मूव होकर बैक्टीरिया के सेल में आ जाता है। और जब वो बैक्टीरिया के सेल में आ जाता है तो उसके डीएनए के साथ जाके शामिल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे इंसर्शन हो गई। अब तीसरा काम जो है, ये दूसरा था, तीसरा काम जो है वो क्या होगा, तीसरा काम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ होस्ट विद आरडीएनए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ होस्ट विद आरडीएनए। देखो, जब भी कभी ये बैक्टीरिया जिसके अंदर आरडीएनए ऑलरेडी आ गया है, जब भी ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा तो उसमें पहले से क्या मौजूद है, ये पहले से कंटेन करता है आरडीएनए। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा और दूसरे डॉटर सेल्स बनाएगा, तो सारे डॉटर सेल्स के पास पहले से क्या चीज़ मौजूद होगी, आरडीएनए पहले से मौजूद होगा उनके पास। यानी कि इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस क्लोन्स, इसने क्लोन बनाना शुरू कर दिए। क्लोन्स क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। ये बैक्टीरिया के पास आरडीएनए था, अब जब ये बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो बाकी के बैक्टीरिया बन रहे हैं, यानी कि डॉटर सेल जो बन रहे हैं, उनके पास भी क्या आ रहा है, यही वाला डीएनए इनके पास आ गया। तो आपने जो चेंज किया वो किसमें किया, एक बैक्टीरिया के अंदर चेंज किया। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब आपने उसको छोड़ दिया, तो सारे नेसेसरी सब्सटेंसेस की मौजूदगी में, तो अब ये बैक्टीरिया इस डीएनए को लेकर जो आपने डाला था वो लेकर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप चेंजेस एक में करते हैं, थोड़े अरसे के बाद आपको पूरी कॉलोनी मिल जाती है ऐसे बैक्टीरियाओं की जिनके पास क्या होता है, आरडीएनए उनके पास पहले से मौजूद होता है। तो हम यूँ कहते हैं इसकी क्लोन हो गए सारे के सारे। फिर चौथा और आखिरी सिलेक्शन की बात, फिर देखो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे इसको, सिर्फ सिलेक्शन की बात करेंगे। सिलेक्शन जो है वो किस तरह कर सकते हैं हम, ये जो बैक्टीरिया हैं जिनके पास आरडीएनए है, और ऐसे बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, अब हम इन दोनों को किसी सोल्यूशन में से अलग कैसे करें, आरडीएनए वाले और नॉर्मल बैक्टीरिया को। तो इन दोनों बैक्टीरिया को उठा के एक सोल्यूशन में डालें आप, उस सोल्यूशन के अंदर क्या चीज़ मौजूद होनी चाहिए, आप ऐड कर दें एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या होता है, एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। यानी कि बैक्टीरिया को मारने की दवा है ये। अब जब ये ऐड करेंगे आप, तो सिर्फ वो बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे जो नॉर्मल है, जो जिनके पास आरडीएनए है। क्योंकि आरडीएनए के पास आपने एक जीन डाला था, हमने कहा था ना शुरू में हम जीन डालेंगे, आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन डाला था इसके अंदर, जिसकी वजह से आरडीएनए रेजिस्टेंस डेवलप करेगा एम्पिसिलिन के खिलाफ। जब रेजिस्टेंस डेवलप करेगा एम्पिसिलिन के खिलाफ, तो कौन सर्वाइव करेगा, सिर्फ और सिर्फ आरडीएनए वाले बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे। नॉर्मल बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ।
तो आपको कुछ देर के बाद सिर्फ वो बैक्टीरिया मिलेंगे कि जिनके पास आरडीएनए होगा, वो ही सिर्फ ज़िंदा रहेंगे, और जो नॉर्मल बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। तो एक मैकेनिज़म तो ये है सिलेक्शन का, सही है, इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं। दूसरा मैकेनिज़म मैं यहाँ बता नहीं रहा, सिर्फ एप्लीकेशन देख लें जल्दी से, क्योंकि ये टॉपिक पूरा हो जाए। एप्लीकेशन देख लें अगर इसकी, तो एप्लीकेशन जो है इससे फ़ायदा क्या है, ये सब करने का आपको फ़ायदा क्या है। ये सब करने का फ़ायदा जो है वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर देखें तो हम इससे एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा जो है हम बायो रिमीडिएशन करा सकते हैं, बायो रिमीडिएशन का मतलब होता है पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर देना किसी भी एरिया में से। ऐसे बैक्टीरिया बनाते हैं जो पोल्यूटेंट्स को खा जाते हैं। इसके अलावा हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया बना सकते हैं जो डिटेक्ट करें मेटल्स को, ये फ़ायदा है। इसके अलावा हम जो है इससे ग्रोथ हार्मोन बनवा सकते हैं। हम इससे जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया से जो कि आरडीएनए कैरी करते हैं। इसके अलावा जो है हम जो है इनसे एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं कॉपर को, यूरेनियम को और गोल्ड को। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम फार्मास्यूटिकल पर्पज़ के लिए भी तो यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी तो बना सकते हैं आप, दवाएं एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं, सही है। तो देखो ये तो कुछ इसके यूज़ेस हैं, ये सारे इसके यहाँ तक एप्लीकेशन है कि ये जो काम आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया है ये क्यों किया है, ये इस पर्पज़ के लिए करते हैं, सही है। अच्छा अब तुम लोगों को अगर वैसे कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो वो मुझसे पूछ लो, ये तो एक मेन टॉपिक था देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो मुझसे पूछो ताकि ये हम ख़त्म करें फिर काम इसका। वेट कर रहा हूँ, जल्दी से सवाल पूछ लो। हाँ बेटे जल्दी जल्दी पूछो ताकि मैं फिर यहाँ पे लिखूँ। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी इंक्रीज़ करवा सकता है, हाँ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी इंक्रीज़ कराता है। इसके अलावा दूसरे पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है ये जो है, ये ऑयल ईटर्स होते हैं इनमें से। ऑयल ईटर क्या करते हैं, ऑयल ईटर जो हैं वो जो ऑयल फर्श करो स्पिल हो गया, ये जो है ये कोई पानी का जहाज़ आ रहा था वो उलट गया समंदर में। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे बैक्टीरिया को मैन्युफैक्चर करेंगे जो बैक्टीरिया जो हैं वो वहाँ पे स्प्रे करेंगे, जिनके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करी हुई है। जब उसको स्प्रे कर देंगे वहाँ पे तो वो सारे के सारे उन तमाम चीज़ों को खा जाएंगे जो चीज़ें वहाँ पे उल्टी होंगी उन्होंने। टिशू कल्चर, अच्छा देखो बेटा टिशू कल्चर क्या है, टिशू कल्चर जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम एक सेल को लेते हैं और प्लांट के एक सेल को लेते हैं, और वो जो एक सेल लिया है आपने उस सेल को एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाते हैं। वो आर्टिफिशियल मीडियम क्या होता है, टेस्ट ट्यूब होती है या तो फिर कोई डिश होती है। अब टेस्ट ट्यूब या डिश जो है उसके अंदर हम वो एक सेल डालते हैं और तमाम नेसेसरी सब्सटेंसेस जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें वहाँ डाल देते हैं। इन तमाम चीज नेसेसरी सब्सटेंसेस की मौजूदगी में वो जो सेल है वो ग्रो करना शुरू करेगा। कुछ देर के बाद एक से ज़्यादा सेल डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस होगा, हो रहा होगा माइटोसिस का। अब जब नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है माइटोसिस का तो एक से दस, दस से बीस, इस तरह सेल मल्टीप्लाई होते चले गए। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल बने ये सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, यानी कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनको। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल बने हैं सारे के सारे अनडिफ्रेंशिएटेड, इनका नाम है, इनको कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं, CALLUS, कैलस। ये कैलस जो है ये कंटेन करता है सारा जेनेटिक मटीरियल। अब आप इसको उठाते हैं फॉर्सेप से और इसको जो नेचुरल एनवायरनमेंट है या नेचुरल मीडियम है वो क्या है, सॉइल है, सॉइल में इम्प्लांट कर देते हैं। फिर बाकी की सारी ग्रोथ जो होती है उसकी फिर वो वहाँ होती है। तो ये जो टेक्निक है इसको क्या कह रहे हैं हम, टिश्यू कल्चर टेक्निक, सही है, क्लियर है। अच्छा उसके क्या, ह्यूमन बोन मैरो, सर ह्यूमन बोन मैरो वी इंसर्ट करते हैं करेक्टेड जीन्स ह्यूमन में, हाँ बेटे ये जो है हम कर सकते हैं, ह्यूमन बोन मैरो में इंसर्ट करते हैं ना। ऐसे एक बीमारी है वो SCID, सीवियर कम्बाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़, उसमें इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, इम्यून सिस्टम के सेल नहीं बन रहे, तो हम जो जीन इंसर्ट कराते हैं, जैसे वो एक एंजाइम बनाते हैं ADA, एडिनोसाइन डायामाइनेज, तो ये एंजाइम कहाँ इंसर्ट कराते हैं, ये एंजाइम हम बोन मैरो में तो इंसर्ट करते हैं ताकि नॉर्मल प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए, वहाँ पर नॉर्मल एंजाइम बनना शुरू हो जाए ताकि SCID ट्रीट हो सके,
सही है। तो ये तो बोन मैरो में कराते हैं SCID के पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर। इसी तरह एक और बीमारी थी इसी चैप्टर में, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या था, सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी तो एक ऐसी कंडीशन थी कि जिसके अंदर जो है लंग्स की एपिथीलियम जो थी वो मोटी हो जाती थी, जिसकी वजह से वो फैट एब्जॉर्प्शन नहीं होती और एनर्जी नहीं मिलती उनको। तो फिर हम जो है स्प्रे करते हैं लंग के ऊपर, और वो जो स्प्रे करते हैं वो हम उनका करते हैं, उन जीन्स का करते हैं कि जो जीन्स जो है वो नॉर्मल सिंथेसिस करना शुरू कर दें। तो ये इस तरह भी होता है। तो ये है चीज़ें, सिस्टिक फाइब्रोसिस और ये जो आपका SCID है इसमें ये काम करते हैं हम। क्लियर है ये? और क्या चीज़ है? अच्छा देखो, एक और भी छोटी सी चीज़ थी, वो क्या थी, एमनियोसिंथेसिस था। एक एमनियोसिंथेसिस कब होता है, 16 से लेके 18th वीक तक होता है, क्या गेस्टेशन पीरियड के अंदर। अब ये जो 16 से और 18th वीक में हो रहा है, गेस्टेशन पीरियड के 16 से 18th वीक में हो रहा है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो है वो हम एमनियोटिक फ्लूड को ड्रैग आउट करते हैं ना, बाहर खींचते हैं। किसके अंदर से? यूटेरस में, जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड में से ये चीज़ हम यूटेरस में से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उस पर टेस्ट करते हैं, और ताकि हमें ये पता चल सके कि जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वहाँ पे उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अब वहाँ पे अगर फर्ज करो कोई एबनॉर्मलिटी है तो हम पहले से उसका इलाज शुरू कर सकते हैं ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज से इलाज शुरू कर सकते हैं। तो ये तो एक यूज़फुल मैकेनिज्म हुआ ना, जिसके ज़रिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका। तो ये तो ये है। अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक था इसमें, वो था DNA फिंगरप्रिंटिंग का। DNA फिंगरप्रिंटिंग को क्या कहते हैं? DNA फिंगरप्रिंटिंग को रिफ्लिप भी कहते थे, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रिफ्लिप DNA फिंगरप्रिंटिंग को कहते थे। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग में हमारे DNA के ऊपर हर 20 से 30 बेसिस के लेंथ जो होती है वो ऐसी होती है जो रिपीट हो रही होती है। अब ये जो रिपीटेटिव यूनिट्स होते हैं, ये यूनिट्स वो होते हैं जिन पे कोड्स होते हैं, और बाकी के जो एरिया है वहाँ पे कोड्स नहीं होते, यानी कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होती, यानी कि पूरा का पूरा DNA ऐसा नहीं है कि वो कोडेड है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं 20 से 30 जो कोडेड होते हैं, वो हमारे काम के हैं, वो उनमें सारी इन्फॉर्मेशन फीड हुई हुई है। इन 20 से 30 रिपीटेटिव यूनिट्स को जो हर इंसान में वेरी करते हैं लेंथ में, वो अलग अलग होते हैं। अब इसी ये बिल्कुल क्या है DNA फिंगरप्रिंट, इट इज़ जस्ट लाइक एनालोगस टू योर फिंगरप्रिंट्स, आपके फिंगरप्रिंट से एनालोगस है। अब आपके फिंगरप्रिंट से अब एनालोगस है, यानी कि एनालोगस क्या होते थे, जिनका स्ट्रक्चर चेंज होता है और फंक्शन सेम होते हैं। हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। उसी तरह से जो DNA फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो क्या कराते हैं, वो भी तो हमारी आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं DNA फिंगरप्रिंट्स के, इसके यूजेस हैं क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पेरेंटेज इशू जितने भी हैं, कि फ़र्ज़ करो कोई कोई बच्चा मिला है कहीं पे, अब वो जो है वो उसके बारे में पता नहीं चल रहा कि भाई उसके पेरेंट्स हैं कौन, और फ़र्ज़ करो अगर बहुत सारे क्लेमेंट्स आ गए, आपने अखबार में इश्तहार दिया, बहुत सारे क्लेमेंट्स आ गए कि भाई ये हमारा है आप हमें दें, तो आप किसको देंगे, सबको तो दे नहीं सकते ना, टुकड़े करके सबको दे देंगे क्या? तो फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है फिर हम उनके DNA टेस्ट करेंगे। DNA टेस्ट बच्चे का भी करेंगे, DNA टेस्ट जो है जितने क्लेमेंट्स आए हैं उनका भी करेंगे। जिसके DNA मैच कर रहा होगा, 40-50-60% मैच कर रहा होगा, वो उनके ओरिजिनल माँ बाप होंगे, उनके हवाले कर देंगे। तो देखो जितने भी फॉरेंसिक साइंसेज है ना, फॉरेंसिक साइंसेज सारी की सारी तकरीबन जो केसेस को सॉल्व करने के लिए हो रही है वो किसके इर्द गिर्द है, वो DNA फिंगरप्रिंट के है। DNA फिंगरप्रिंटिंग हेल्प कर रहे हैं केसेस को सॉल्व करने के लिए। फिर एक छोटा टॉपिक था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1990 में, और 2012 यानी कि 12-13 साल के अंदर इनको ये पता चल गया कि जो DNA है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, DNA के पास कोड्स क्या हैं, DNA के पास इंफॉर्मेशन क्या है। और फिर ये बात इनको 12-13 साल के अंदर ये 99.99% एक्यूरेसी के साथ पता चल गई कि DNA के पास इंफॉर्मेशन क्या होती है। जो इनको नहीं पता चली वो कितने परसेंट नहीं पता चली, 0.1% इनको इंफॉर्मेशन पता नहीं चली। और इस 0.1% के अंदर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3.2 जो है ये मिलियंस बेस पेयर्स होते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन मालूम ही नहीं है इनको। और ये 3.2 मिलियन जो बेस पेयर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के होते हैं, वेरिएशन लाने के। अब ये जो हैं ये इस चीज़ की तहकीक में लगे हुए हैं कि किस तरह से ये 0.1% बेस पेयर्स को भी जान जाएं ताकि किसी भी किस्म के पॉसिबल चेंजेस कर सकें इंसान के अंदर। अब ये जो है ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और इसके अलावा जो थी वो इसमें, अच्छा एमनियोसिंथेसिस की बात कर ली, टिशू कल्चर की बात कर ली हमने, और क्या था, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, बस लास्ट चीज़ है, जीन थेरेपी जो है वो एक तरीका इलाज है
जिसके ज़रिए हम ट्रीटमेंट करते हैं उन पेशेंट्स का जिनके अंदर जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी है कोई। अब जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी कैसी होती है? बाय बर्थ होती है, पैदा हुए जीन्स या तो है नहीं या हैं तो वो सही फंक्शन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी डिवेलप हो जाती है। तो अगर हम इन जीन्स को जो एबनॉर्मल हैं हम उनकी जगह रिप्लेस कर दें किसी नॉर्मल जीन के साथ, तो वो एबनॉर्मलिटी भी क्योर हो जाएगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। सही है बेटे, क्लियर है ये? चलो इंशाल्लाह फिर अगले उसमें कोई नई चीज़ देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।